नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी YouTube चैनल YMW Solution पे। तो दोस्तों आज हम लोग बेसिकली बात करने वाले हैं कि कैसे आप पेडिग्री कंपनी के साथ जुड़ के एक रिटेल शॉप ओपन कर सकते हैं या फिर आप डिस्ट्रीब्यूटर बन सकते हैं। तो बेसिकली हम लोग आज इस वीडियो में दोनों बात करेंगे कि अगर आप एक रिटेल शॉप ओपन करना चाहते हैं या फिर एक डिस्ट्रीब्यूटर बनना चाहते हैं तो उसके लिए आपका कितना इन्वेस्टमेंट आता है, क्या प्रॉफिट मार्जिन होते हैं, उसके साथ साथ कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगते हैं और आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं, ये भी हम लोग बात करने वाले हैं इस वीडियो में। तो चलिए फ्रेंड वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बट स्टार्ट करने से पहले फ्रेंड, अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाके सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल पे भी सेट कर दीजिएगा ताकि आपको इसी तरह के वीडियो यहां पर टाइम टू टाइम मिलते रहते हैं। तो चलिए फ्रेंड, सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं पेडिग्री कंपनी के बारे में। तो फ्रेंड अगर पेडिग्री कंपनी के बारे में बात करें तो ये कंपनी मास इनकॉर्पोरेटेड का एक सबसे फेमस पेट फूड ब्रांड है और ये कंपनी एक्चुअली मल्टीनेशनल है और ये कंपनी जो है बहुत सारे पेट फूड और एनिमल केयर जितने भी प्रोडक्ट्स होते हैं उन सभी का मैन्युफैक्चरिंग करती है और इस कंपनी के अंदर बहुत सारे पेट फूड कंपनीज अवेलेबल हैं, पेट फूड ब्रांड्स अवेलेबल हैं। और फ्रेंड मैं बता दूं, पेडिग्री कंपनी जो है वो यूएसए की है लेकिन हमारे इंडिया में पेडिग्री एज अ पेट फूड बहुत ज़्यादा फेमस ब्रांड है। मतलब अगर किन्हीं को पेट फूड का नाम याद आता है तो सबसे पहले पेडिग्री नाम आता है। मतलब पेट फूड ब्रांड में सबसे ज़्यादा हमारे इंडिया में बिकने वाला पेडिग्री ही है। तो फ्रेंड आप ये सभी से समझ सकते हैं कि एक कंपनी कितनी बड़ी है और कितना ज़्यादा फेमस है। तो अगर आप इस कंपनी के साथ जुड़कर अपना बिजनेस स्टार्ट करेंगे तो आप कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट अर्न कर पाएंगे। तो फ्रेंड मैं सबसे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप इस कंपनी के साथ जुड़ना चाह रहे हैं, अगर इस कंपनी के साथ आप जुड़कर अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहे हैं तो सबसे पहले तो आपको पेट फूड के बारे में कुछ नॉलेज होना चाहिए, थोड़ा बहुत जानकारी होना चाहिए ताकि आप लोगों को समझा सकें, जो भी आपके कस्टमर हैं उनको बता सकें। उसके साथ साथ यहाँ पर आपको कुछ पेट के बारे में भी जानकारी होना चाहिए। तो चलिए फ्रेंड अब हम लोग बात कर लेते हैं, पेडिग्री कंपनी के साथ जुड़कर आप अपना रिटेल शॉप ओपन करना चाहते हैं या फिर इसकी जितने भी प्रोडक्ट्स हैं उनका अगर डिस्ट्रीब्यूटर बनना चाहते हैं तो उसमें आपको कितना इन्वेस्टमेंट लगता है। तो फ्रेंड अगर आप रिटेल शॉप ओपन करके पेडिग्री का प्रोडक्ट सेल करना चाहते हैं तो इसमें आपका वैसा कोई यहाँ पर इन्वेस्टमेंट नहीं है, आप अपने जरूरत के हिसाब से यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो इनिशियल स्टॉक वैसा कुछ नहीं है कि आपको इतना का परचेस करना ही होगा, आपको जितना रिक्वायरमेंट हो उसके हिसाब से आप यहाँ पर परचेस कर सकते हैं। लेकिन फ्रेंड अगर आप डिस्ट्रीब्यूटर बनते हैं तो डिस्ट्रीब्यूटर में एक्चुअली आपका डिपेंड करता है एरिया पे कि आप कितने बड़े एरिया को कवर कर रहे हो और कितने बड़े एरिया में आप डिस्ट्रीब्यूशन का काम कर रहे हो, उसके हिसाब से यहाँ पर इन्वेस्टमेंट लगता है। वैसे फ्रेंड मैं आपको बता दूँ, यहाँ पर 8-10 लाख का यहाँ पर इन्वेस्टमेंट लगता है इनिशियल स्टॉक परचेजिंग जिसमें होता है और उसके साथ साथ यहाँ पर कुछ सिक्योरिटी डिपॉजिट लिए जाते हैं। उसके साथ साथ फ्रेंड यहाँ पर आपके पास एक शॉप होना चाहिए, कम से कम 200 स्क्वायर फीट का होना चाहिए, तो उसके हिसाब से आप यहाँ पर कॉस्ट ऐड कर सकते हैं। और या फिर आपका खुद का अपना शॉप है तो बहुत ही अच्छी बात है, आप अपना इन्वेस्टमेंट और भी कम कर सकते हैं। और तो फ्रेंड मैं आपको बता दूं, अगर आप यहाँ रिटेल शॉप ओपन करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपका इन्वेस्टमेंट ज़्यादा नहीं लगेगा, आप 5-6 लाख में भी आप स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आप डिस्ट्रीब्यूटर बनना चाहते हैं तो उसमें आपको मिनिमम यहाँ पर 12-15 लाख का यहाँ पर खर्च लगता है। तो फ्रेंड पहले आप डिसाइड कर लें कि आपको करना क्या है, रिटेलर में काम करना है या फिर डिस्ट्रीब्यूटर बन के काम करना है, उसके हिसाब से आपका यहाँ पर इन्वेस्टमेंट लगेगा। देन चलिए उसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं कि यहाँ पर कौन कौन से आपका डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है। तो फ्रेंड मैं बता दूँ, यहाँ पर कोई आपका वैसा डॉक्यूमेंट्स नहीं लगता है लेकिन यहाँ पर आपका पर्सनल डॉक्यूमेंट में जैसे कि आईडी कार्ड में आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, उसके साथ साथ यहाँ पर आपका एड्रेस प्रूफ में इलेक्ट्रिसिटी बिल, राशन कार्ड दे सकते हैं। उसके साथ साथ आपके पास अपना ईमेल होना चाहिए, फ़ोन नंबर होना चाहिए और एक फोटोग्राफ होना चाहिए और आपके पास यहाँ पर एक करंट बैंक अकाउंट होना चाहिए जिसमें कि आपको एक यहाँ पर कैंसिल चेक कंपनी को सबमिट करना होता है। उसके साथ साथ फ्रेंड यहाँ पर आपके पास GST नंबर होना चाहिए और ट्रेड लाइसेंस होना चाहिए और यहाँ पर जो है आपका जो भी प्रॉपर्टी है, जो भी गोडाउन है या फिर शॉप है उसका डॉक्यूमेंट यहां पर सबमिट करना होता है। उसके साथ साथ यहां पर एक NOC सबमिट करना होता है। तो फ्रेंड अगर आपके पास ये सभी डॉक्यूमेंट्स है देन आप आसानी से पेडिग्री कंपनी के साथ जुड़कर अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड अब हम लोग बात कर लेते हैं कि अगर आप पेडिग्री कंपनी के साथ जुड़कर बिजनेस स्टार्ट करते हैं, पेट शॉप ओपन करते हैं या पेडिग्री कंपनी के साथ जुड़कर उनका प्रोडक्ट का सेलिंग करते हैं तो उसमें आपको कितना प्रॉफिट्स एंड मार्जिन मिलता है। तो फ्रेंड मैं बता दूं, या आप रिटेल शॉप ओपन कर रहे हैं उसमें अगर पेडिग्री का प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं या फिर आप एज अ डिस्ट्रीब्यूटर अगर डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, उन दोनों में आपका प्रॉफिट्स एंड मार्जिन टोटली डिपेंड करता है आपके टोटल सेल पे कि आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा सेल देंगे उतना ज़्यादा से ज़्यादा आप यहाँ पर अर्न कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर कंपनी में बहुत सारे स्कीम्स एंड ऑफर्स वगैरह चलते रहते हैं जो कि आपके पूरे टोटल सेल पर डिपेंड करता है।
तो यानी कि आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा सेल करेंगे उतना आप यहाँ पर प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। उसके साथ साथ यहाँ पर कंपनी की तरफ से 4% का MIP भी यहाँ पर दिया जाता है। और फ्रेंड यहाँ पर अगर टारगेट की बात करें तो इसमें कोई टारगेट नहीं होता है, जैसे अगर आप रिटेल शॉप ओपन करते हैं तो इसमें कोई भी टारगेट नहीं होता है, लेकिन आप अगर एज ए डिस्ट्रीब्यूटर जुड़ते हो तो उसमें कुछ टारगेट होता है, मतलब 15 डेज में आपका रोटेशन होता है, जो भी आप माल लेंगे वो 15 डेज में आपको कुछ ना कुछ ऑर्डर करना ही होता है कंपनी में। वैसे फ्रेंड मैं आपको बता दूँ, अगर आप एज ए रिटेल शॉप ओपन करते हैं तो उसमें आपका प्रॉफिट मार्जिन 20-25% का होता है, लेकिन अगर आप एज ए डिस्ट्रीब्यूटर ज्वाइन होते हो तो उसमें आपका प्रॉफिट्स एंड मार्जिन, यहाँ पर मैं एग्जैक्ट नहीं बता सकता हूँ क्योंकि इसमें बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं जहाँ से आप प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं, जहाँ से आप ज़्यादा से ज़्यादा अर्निंग कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे स्कीम्स एंड ऑफर्स चलते रहते हैं। तो इसमें जो है आपको एक एग्जैक्ट वैल्यू बताना नहीं बता सकता हूँ, क्योंकि ये टाइम टू टाइम डिपेंड करता है कि आप कौन से समय पे ओपन कर रहे हो, कब ओपन कर रहे हो, किस लोकेशन पे ओपन कर रहे हो, वहाँ पर कौन सा स्कीम चल रहा है, उसमें आप कैसे पार्टिसिपेट कर सकते हो, मतलब कि सारा चीज़ इसमें देख के आपका प्रॉफिट्स एंड मार्जिन डिसाइड किया जाता है। तो इसलिए जो है यहाँ पर मैं, अगर आप एज ए डिस्ट्रीब्यूटर जुड़ते हो तो उसमें कितना आप प्रॉफिट कमा सकते हो, कितना अर्निंग कर सकते हो, ये बताना एग्जैक्ट वैल्यू में पॉसिबल नहीं है। तो ये जब भी आप कंपनी के साथ जुड़ेंगे तो वो आपको सारा चीज़ बता देंगे, सारा इसका फंडा बता देंगे कि कैसे ये काम करना है, कैसे आप ज्यादा से ज्यादा अर्न कर सकते हैं और कैसे इसमें आपका मार्केटिंग वगैरह करना है। वैसे मैं बता दूं, यहाँ पर कंपनी की तरफ से एक सेल्स टीम भी आपको प्रोवाइड किया जाएगा, जो कि आपको जो भी नए नए प्रोडक्ट्स आते हैं उनके बारे में जानकारी देंगे कि इसको मतलब कैसे यूज करते हैं, मतलब क्या यूज है, क्या एडवांटेज है, क्या डिसएडवांटेज है, वो सारा चीज उस प्रोडक्ट के बारे में आपको बताएंगे। उसके साथ साथ वो आपके सेल को भी बढ़ाने में आपका हेल्प करेंगे। तो चलिए फ्रेंड अब हम लोग लास्टली बात कर लेते हैं कि अगर आपको पेडिग्री कंपनी के साथ जुड़कर अपना पेट फूड शॉप ओपन करना है या फिर एज ए डिस्ट्रीब्यूटर इस कंपनी के साथ जुड़ना है तो आप कैसे इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो फ्रेंड सबसे पहले इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिलेगा, उस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं इस तरह का फॉर्म आपके सामने ओपन होके आ जाएगा। तो फ्रेंड इस फॉर्म को आप सिंपली फिल कर सकते हैं, देख सकते हैं यहाँ पर जो स्टार मार्क दिया हुआ है वही सिर्फ आपको फिल करना है, जिसमें नहीं दिया हुआ है उसको फिल करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। तो फ्रेंड देख सकते हैं मैंने जिस तरह से फिल किया, एक मैं यहाँ पर एग्जांपल दिखाया हूँ, इसी तरह से आपको फिल करके यहाँ सबमिट कर देना है। और इसमें अगर 2-3 दिन में अगर आपको कोई भी रिस्पांस नहीं आता है तो आप एक मेल भी कर दे, देख सकते हैं इस मेल आईडी पे आप मेल कर सकते हैं। इस पे अगर जैसे ही आप मेल करेंगे आपको विद इन 24 आवर्स आपको एक उधर से रिवर्ट मेल आ जाएगा। तो फ्रेंड उसके बाद जो है आपसे नंबर मांगा जाएगा कंपनी से, आपका नंबर आप उसमें जैसे ही डालेंगे, जैसे ही आप देंगे उनको, तो वो जो है आपको विद इन 2-3 डेज के अंदर अंदर जो है कंपनी की तरफ से आपको कॉल आ जाएगा। और जब एक बार आप उनसे बात कर लेते हैं वो सारा चीज़ आपको बता देंगे कि कैसे जुड़ना है, क्या करना है, कितना इन्वेस्टमेंट लगता है, सारा चीज़ वो आपको बता देते हैं। तो फ्रेंड यही प्रोसेस है कि आप कंपनी के साथ जुड़ सकते हैं, पेडिग्री कंपनी के साथ जुड़ के अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। तो फ्रेंड अगर इससे रिलेटेड अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो या फिर अप्लाई करने में कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, मैं वहाँ रिप्लाई जरूर कर दूंगा। तो चलिए फ्रेंड आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि अगर पेडिग्री कंपनी के साथ जुड़कर अपना बिजनेस स्टार्ट करना है तो क्या क्या आपको करना पड़ता है। तो चलिए फ्रेंड आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही, मिलेंगे फिर अगले वीडियो में कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। अभी के लिए जय हिंद।